हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल था 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, और हमारी लव्या को मिले थे भर भर के गिफ्ट। चार गिफ्ट सारे होते हैं, जिसमें से एक ये क्यूट सा मग मिला था, जिसमें सुबह सुबह ये बॉर्नविटा वाला दूध पी रही है। वैसे ये दूध पीती नहीं है अक्सर, लेकिन अब इसको शौक चढ़ा हुआ है कि न्यू मग है, न्यू वो है, तो मैं इसमें दूध पीऊं। और मेरी एज यूजुअल ड्यूटी सुबह उठ के नाश्ता बनाना, तो मैंने सुबह उठते ही बना दिया है कड़ी चावल। क्या तो कि ये झूठ है। नहीं जी, ये सच है। कहीं मेरे को नहीं लगता कड़ी चावल बने, क्योंकि मैं अभी सपने में ही चल रहा हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कड़ी चावल बने। मेरे को इसके अंदर रात में चावल दिख रहे हैं। तुझे अभी चेक करती हूँ। चेक करती है। अब देख कड़ी है। बेटा, अब नींद भूल गई होगी अच्छे से। आज तो जो मजदूर, आज तो मैं कड़ी चावल नहीं खाऊंगा। एक बात आज मेरी भी जीत है। एक बात बताऊं, देख, छाछ पड़ी थी, छाछ के चार पैकेट पड़े थे, तो मैंने सोचा कि कड़ी ही बना देती हूं। तेरे को चिढ़ क्यों है कड़ी से? नहीं, छाछ के चार पैकेट मैं पी जाता सुबह शाम रात दिन। अच्छा, मेरी फेवरेट चीज क्यों नहीं बनती? कोई बात नहीं, है की बात है, कभी राजमा चावल तो कभी कड़ी चावल। इतनी जोर की चोटी पाई, किसे बोला तुम? चोटी पाई है तेरे को जगाने के लिए। तेरे को सपना लग रहा था ना, ये लड़ाई, शर्म नहीं आती सुबह सुबह लड़ाई। तेरे को सपना लग रहा था ना, वो तुझे चूटी पा के दिखा रही थी कि हकीकत है भाई, कड़ी बनी है, ये देख सुबह 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 सुबह, ये देख, शर्म नहीं आती तो है ये। अक्कल भी आई है नहीं है नमन, उठते ही लड़ाइयां तेरी चालू हो जाती। शर्म नहीं चावल क्यों नहीं बनते? हफ्ते में दो बार कड़ी चावल बनते हैं, तो तेरे को क्या दिक्कत है? तू मत खाती, तेरी माँ छोले की दाल पड़ी तू वही खा ली। नमन, शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी लड़ाई सुबह सुबह? ये देख नमन, तेरी बड़ी चप्पल है, उसकी छोटी है, कोई बात नहीं, छोटी बहन है, कल उसको चप्पल से मार लूंगी। मैं मारूंगी जगह कड़ी के चली जाएगी। जाने तो कड़ी है, छोड़े मेरे को यही चाहिए। तू मत खा। मैं नहीं खाऊंगा। सुबह सुबह मम्मी से लड़ाई कर रहा है, शर्म नहीं आती? मम्मी से लड़ाई करो, आप मेरे दुश्मन बन चुके हो कड़ी चावल जब भी बनाते हो। अच्छा, राजमा चावल बनाते नहीं हो? हफ्ते में चार बार मैंने देखे कड़ी चावल बनती है। राजमा चावल महीने में एक बार बनते हैं, वो भी जब मैं जितनी ज्यादा जीत करता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, बना दूंगी, चिंता मत कर। तो गर्मा गर्म कड़ी चावल आ चुके हैं और हम खाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। और यहाँ देखो कालरा साहब ने क्या बनाया है। एनडीजे म्यूजिक का जो लोगो है, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला लोगो कालरा साहब ने इधर बना दिया है। और कैक्टस साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आज हम कैक्टस को थोड़ा मिस कर रहे थे, बुलवा लगे इससे थोड़ा कुछ कड़ी चावल खाएगा। नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? मेरे को भी भूख नहीं है, ब्रश करके खाऊंगा। नमन भाई नाराज हो गया। नमन भाई कड़ी चावल नहीं खाता। आओ देखते हैं कि नमन भाई क्या बना रहे हैं। क्योंकि वो किचन में है, कुछ ना कुछ खुरापाती कर रहे हैं। आओ 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 आओ। हाँ जी नमन कालरा साहब, आप कड़ी चावल से इतना नाराज हैं कि आप अपने लिए स्पेशल ये क्या बना रहे हैं, ब्रेड बटर का? हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे बात तो करो डार्लिंग। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे बताओ तो सही, आप क्या बना रहे हो? ये लेज रख रखे हैं, ये ब्रेड रख रखा है, आप खुद ही मास्टर शेफ हो, क्या बना रहे हो बताओ तो सही। अच्छा, यहाँ पर कुछ रेडी हो रहा है गाइस। अच्छा, दाल वाले टोस्ट रेडी किए जा रहे हैं। अच्छा, बात नहीं कर तो रहे। आपने बिल्कुल प्रण कर रखा है कि मैं कड़ी चावल नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो आप सैंडविच खाओगे? कैरी ऑन, हम तो कड़ी चावल खाने जा रहे हैं, गर्मा गर्म कड़ी चावल, बाय। तो अभी दोपहर की बज चुकी है 2, और आज है संडे, तो कालरा साहब और मैं, हम दोनों जा रहे हैं गौशाला और पक्षियों को दाना डालने, जो कि हमारी संडे की ड्यूटी है। और हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, जब हम प्यारी प्यारी छोटी छोटी गाय माता को देखते हैं, पक्षियों को जब हम दाना डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी नमन कालरा जी, पीछे मैं जा रही हूँ, तो अपना पढ़ाई करियो, ठीक है? और बहन से लड़ाई तो बिल्कुल भी मत करियो, नहीं तो लव्या मेरे को बता देगी, ठीक है? करता है तेरे लड़ाई? नहीं, मेरे को पता है, मेरे जाने के बाद तो नहीं करता, मेरे सामने जरूर कर ले। नहीं करता, चाहे पीछे कर लेता है। हाँ, मैं अभी एक घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, तो मैं आ जाऊंगी एक घंटे तक। हाँ ठीक है, हाँ तेरे रजिस्टर लेके आना है ना, इसके पीछे ड्रॉइंग बनी हुई हो, जिसके पीछे ड्रॉइंग बनी हुई हो,
रजिस्टर के पीछे पतला। ठीक है मैं पूछ लूंगी, अगर होगी तो मैं ले आऊंगी। पतला अच्छा। और एक इंग्लिश वाली नोटबुक भी लानी है, एक 3-in-1 नोटबुक लानी और एक इंग्लिश की ट्यूशन नोटबुक लानी बस। और कुछ डिमांड? एक पेंसिल का डिब्बा लाना। पेंसिल का डिब्बा होगा? है नहीं, खत्म हो गया। चलो डोम्स वाली लाना जिसके पीछे इरेजर होता है। डोम्स वाली लाना जिसके ऊपर पीछे इरेजर होता है। चल ठीक है वो ले आऊंगी। भाई तेरी भी कोई डिमांड है क्या? वो तेरे लिए कुछ लाने है क्या? नहीं पेन ले रहा 5 रुपए वाला। कौन सा? ये सारे पेन गुम कर दे तो कोई से पेन ले ले। एक बॉल पेन जल और मैं इसको ले दूंगा पहले से। मैं ले एक 5 रुपए वाला पेन ले आना। ठीक है ले आना। ठीक है। और अगर लड़ाइयां कर ली पीछे तो बहुत आगे धोऊंगी दोनों को। सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर चारा रेडी हो रहा है गाय माता के लिए और इसमें हमने छिलका मिलवा लिया है और ये कालरा साहब गाय माता को लाड कर रहे हैं। इसको मजा आ रहा है गाय माता को भी, है ना? इधर से अच्छा लग रहा है इनको भी ऐसे? इनको अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, लगता है। कितने प्यार से करवा रही है ना। हो गया? बाल्टिया में डाल दो। बाल्टिया में डाल दो भैया। गाय माता को मिलेगा खाना। मम्मी पापा गए हुए हैं गौशाला और पक्षियों को दाना डालने के लिए और अभी हम पढ़ रहे हैं लेवल लिख रहे कर्सिव राइटिंग और कल है मेरा एग्जाम साइंस का लास्ट एग्जाम तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मम्मी को जाना है 4 बजे ट्यूशन। मम्मी पापा को लगभग आधे पौना घंटा हो चुका है जाए हुए। क्या पिएगा भाई? जूस, गन्ने का जूस। अच्छा कहाँ से आया है तू? है पढ़ाई करता है? नहीं करता, स्कूल नहीं जाता। कितनी क्लास तक पढ़ा है? पांचवी तक। पढ़े आते हैं तेरे को? कौन सा पढ़ा आता है? 100 तक। 100 तक पढ़े आते हैं? गिनती आती है कि 100 तक? तो भाई है चल आज तक जूस पिलाते हैं गन्ने का। कैसा लगा भैया जूस? ओ भाई बढ़िया लगा, बढ़िया है। तो गाइस घर का सामान लेकर अब हम घर पर आ चुके हैं और बेल बजाते हैं। नमन, मम्मा, सब कुछ लाई हूँ। दरवाजा खोल बस। रजिस्टर ये रहे। हाँ मैंने भी एक पेन मंगाया था। तेरा भी एक पेन है? ये वाला कम है। कम है 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 क
ये बेकार है, उससे रोने का काम है लगे सारा दिन। तेरा सब कुछ लेके आई हूँ, अभी तू देखियो। कर्सिव राइटिंग की बुक भी लाई हूँ। सही है, वो कहते ड्राइंग बनी हुई नहीं आती नोटबुक पे। ये इंग्लिश की बोली थी तूने, अब देख कर्सिव राइटिंग देख कितनी प्यारी लाई हूँ। अब मैम ने तुझे कर्सिव राइटिंग सिखा दी ना? हाँ जी बाबू जी, कुछ पढ़ाई भी करी है या नहीं? यार तो फिर पढ़ाई कर रहे यार, तेरी शक्ल से तो नहीं लगता तेरी पढ़ाई कर रहा है। सच्ची में पढ़ाई करी? तूने क्या किया था फिर? मैंने भी पढ़ाई किया, चार चार पैराग्राफ मुझे लिख पाया इसने। सही है, ये तो स्ट्रिक्ट टीचर है फिर। इससे अब सीखोगे तुम कर्सिव, तेरी भी कर्सिव राइटिंग अच्छी नहीं है, तू भी बना लियो। नहीं दे दियो भाई को, बढ़िया है ये वाली, इससे तुम सीख जाओगे अच्छे से। यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है पिंडिया बनाने की, और यहाँ पर लवे अभी अपना सहयोग दे रही है इसमें। तंग कर रही है, सहयोग नहीं दे रही, कह रही गोल गोल लड्डू मैं बनाऊंगी, बनता है नहीं इससे। बस ये ट्राई करी जा रही है, कोशिश कर रही है लवे। लवे कह रही है मेरे भी तो एक सहयोग होना चाहिए ना लड्डू में। भाई यहाँ पर पूरा पापा हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, ग्लव्स पहन के पिंडिया बना रहे हैं, और लवे ने भी यहाँ पर छोटा सा क्यूट सा लड्डू बनाया। वाह, राजो की छोटा सा है लवे, बनाया तो सही है। तो इसी बात आज के लोग प्रेम करते हैं, आई होप को लोग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।